सो फ्रेंड्स, अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग एक प्रोफाइल को इस तरह डिजाइन वगैरह कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो इस तरह डिजाइन वगैरह कैसे कर सकते हो। जैसे देख सकते हो दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखो कि इधर आप लोग देखो कि जैसे इधर स्टोरी कैसे हाईलाइट किए हैं, वो चीज कैसे करते हैं मैं दिखाऊंगा इस वीडियो पर। उसके साथ इस तरह कैसे आप लोग बायो लिखोगे वो भी दिखाऊंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको बायो के ऊपर पूरा वीडियो मिल जाएगा। और ये वाला जो बायो कैसे लिखते हैं और कैसे आप लोग किसी का बायो को ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, इस तरह बायो बना सकते हो, तो इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो पर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि स्टोरी हाईलाइट कैसे करें और उसके साथ बायो कैसे लिखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले जो बात है, आप लोग देखो कि पहले आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पर आप लोग ऊपर जाकर लिखोगे इंस्टा बायो। इंस्टा बायो को ओपन करोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है, इसको, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, इसको आप लोग डाउनलोड करिए, कूल बायो कोडिशन आइडिया। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप लोग जाकर डाउनलोड करिए। फिर से मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ जैसे आपका बहुत सुविधा हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करने के लिए वीडियो को बड़ा बनाता हूँ, जैसे आपको हेल्प हो जाए। बहुत जल्दी से जल्दी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, वीडियो लेंथी हो जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिलहाल देखो दोस्तों, इधर जो ऑप्शन है देख सकते हो कूल बायो, इसको मैं ओपन करूंगा और इसको ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे इसके ऊपर काम करते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद, इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ये वाला कूल बायो ओपन हो गया है। तो कूल बायो के अंदर बॉयज है, बॉयज को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप लोग देखो कि इसके अंदर आपको क्या क्या हेल्प मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरा मेरा इसके अंदर मेरे को जो बायो चाहिए, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर। तो मेरे को चाहिए इस तरह एक बायो, के इस तरह एक बायो चाहिए। तो इसको मैंने, इसको इधर से ही एडिट करूंगा। इधर से एडिट करने के बाद देखो कि ये वाला मेरा जो प्रोफाइल है, इसको मैं करूंगा, इसका फोन नंबर वगैरह लिखा है इसके अंदर। तो इसके अंदर ऊपर आप लोग देख सकते हो कि ग्रैंड एंट्री वगैरह कुछ लिखा है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटर मैंने लिखा। और इधर म्यूजिक लवर हूँ मैं, बिग फैन ऑफ महल, तो बिग फैन ऑफ मैंने इधर लिखा, धोनी लिखा, बिग फैन ऑफ धोनी। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया। और इसके साथ स्माइल इज माय हॉबी, ठीक है, फोन नंबर, और ये वाला को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट करने के बाद इसको कहाँ से कॉपी करें, इसको इधर से मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद डायरेक्ट मैं जाऊंगा, मेरा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है इधर में जाऊंगा। जाने के बाद इधर तो बैक किया और इसके साथ इसको ओपन किया, और इसके अंदर से मैं एडिट प्रोफाइल के अंदर गया। जाने के बाद मैंने इधर को बायो जो ऑप्शन है, इस पर मैंने कंट्रोल वी, मतलब होता है पेस्ट, पेस्ट कर दिया और इसको कर दिया राइट। ठीक है, तो करने के बाद इधर भी राइट कर दिया, और इसके बाद देखो मेरा बायो इधर आ गया है। ठीक है दोस्तों, और वेबसाइट तो आप लोग जानते हो कहाँ लगाते हैं, यूट्यूब वगैरह का वेबसाइट वगैरह, यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना जा रहा हूँ अभी, कि कैसे आप लोग कैसे एक स्टोरी हाईलाइट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, इस एप्लीकेशन को आप लोग यूज करके स्टोरी हाईलाइट कर सकते हो। तो ये जो एप्लीकेशन है, इसका नाम है स्टोरी हाइलाइटर। ठीक है, स्टोरी हाइलाइटर बोलकर ये वाला एप्लीकेशन है, और ये वाला एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करिए। तो इसके लिए मैं फिर से इसको दिखाता हूँ कौन सा एप्लीकेशन, ये वाला एप्लीकेशन को आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ये वाला एप्लीकेशन। ठीक है, जहां पर आपको एक फ्लाइट का साइन मिलेगा, ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। तो डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, कैसे इसको ओपन करोगे, तो इसको ओपन करने के बाद आप लोग इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद जैसे ये ओपन हो जा रहा है, ओपन होने के बाद रुको, ओपन होने के बाद एड वगैरह चल रहा है, रुको।
तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया। और इधर देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, रुको, इधर ध्यान से देखो कि इधर आपको बहुत सारे आइकन वगैरह को देखने के लिए मिल जाएगा। जिस तरह मैं इधर से एक आइकन ले रहा हूँ, जैसे मैं इधर से एक मैं क्रिएटिव कर लेता हूँ, तो इधर मैंने प्लस आइकन पर क्लिक किया और रेड वाला ये ऑप्शन लिया, फ्रेम लिया एक फ्रेम, ये वाला एक फ्रेम लिया। फ्रेम लेने के बाद टेक्स्ट है मेरा, टेक्स्ट को ऐड किया, जैसे वो वाला टेक्स्ट पर लिखा स्टोरी बोलकर, ठीक है, स्टोरी बोलकर मैंने लिखा और इसको प्लस कर दिया और इसको बड़ा कर दिया थोड़ा सा इधर। और पीछे वाला जो है इसको मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ, इसको रेड वगैरह नहीं करूंगा तो इसको कर देता हूँ ये वाला, और ये जो लिखा है इसको मैं कर देता हूँ इस तरह, ठीक है, कर दिया। और इसके साथ में जो लिखा है इसको भी कर दिया स्टाइल। और इसके साथ में स्टिकर वगैरह भी ढूंढ रहा हूँ, कौन सा स्टिकर देने से बहुत अच्छा लगेगा, ये वाला स्टिकर मैंने ले लिया और इसके अंदर में ये वाला स्टिकर लगा दिया, ठीक है, लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद इसको मैंने सेव कर लिया, सेव करने के बाद सेव हो गया है और इसके अंदर से हाँ सेव हो गया है ये। तो अभी फिलहाल मैं जाता हूँ मेरा इंस्टाग्राम के अंदर। इंस्टाग्राम के अंदर जाने के बाद मैं क्या करूंगा, एक स्टोरी को पब्लिश करूंगा। तो स्टोरी पहले स्टोरी पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये जो पिक्चर दिखा रहा है इसको मैं क्लिक कर लिया। यहाँ पर मैंने सेंड ऑप्शन है तो इसको मैंने सेंड भी कर दिया। सेंड करने के बाद ये वाला सेंड हो गया है। सेंड होने के बाद थोड़ा सा बैक करो और इसको डिस्कार्ड कर दो। डिस्कार्ड करने के बाद इधर बैक करो और देखो तो मेरा स्टोरी हो गया है कि नहीं, स्टोरी नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर से मैं स्टोरी इधर से बनाता हूँ और इसको करता हूँ सेंड टू, और इसको योर स्टोरी, सॉरी योर स्टोरी पर क्लिक करना पड़ेगा। अभी इसको क्या करूँ, ओके कर लिया। ओके करने के बाद में इधर से गया और ये वाला ऑप्शन को क्लिक किया और इधर भी पोस्टिंग हो रहा है। पोस्टिंग होने के बाद पोस्टिंग के लिए वेट करें और इधर देखो हाईलाइट वाला ऑप्शन, इधर मैंने क्लिक किया और ये वाला हाईलाइट को मैंने क्या दिया, स्टोरी लिख दिया, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद व्यू प्रोफाइल पर मैंने गया, ये वाला स्टोरी ऑप्शन पर गया, इधर जो मोर ऑप्शन पर मैंने गया, एडिट हाईलाइट पर मैंने गया, एडिट कवर पर मैंने गया, इधर से इधर मैंने क्लिक किया और स्टोरी को मैंने ले लिया। लेने के बाद नेक्स्ट किया और डन कर दिया और इसको मैंने डन कर दिया। डन करने के बाद दोस्तों देखो ये जो मेरा जो इधर जो स्टोरी शो होगा, रुको नहीं शो हो रहा है, हाँ देखो दोस्तों शो हो रहा है ये वाला स्टोरी ऑप्शन, ठीक है। तो प्रोफाइल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव और थोड़ा सा डिजाइन दोगे तो प्रोफाइल को देखने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। देख सकते हो दोस्तों मैंने ये वाला जो लोगो है उधर लगा दिया और उसके तरह आप लोग बहुत सारे इस तरह डिजाइन वगैरह कर सकते हो दोस्तों। तो ये जो स्टोरी हाईलाइटर है बहुत इजी से आप लोग, आपका जो चैनल पर जो व्यूअर्स आएगा वो आपका चैनल को देखेगा, बहुत अच्छा लगेगा व्यूअर्स का भी। तो इसके लिए मैं सबको बोलता हूँ कि स्टोरी हाईलाइटर और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को थोड़ा सा डिजाइन वगैरह करो, तो लोग जब आएगा या फिर कोई लोग व्यूअर्स जब आएगा आपका जो चैनल है वो, सॉरी आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा खासा फॉलो करेगा, उसके बाद आपका प्रोफाइल को विजिट करेगा, आपके प्रोफाइल पर अच्छा खासा व्यूज वगैरह भी आना शुरू कर देगा। दोस्तों इस वीडियो को पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक करो, शेयर करो और उसके साथ मेरे साथ बने रहिए, इस तरह बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो को जाने से बाद आप लोग थोड़ा सा कमेंट वगैरह भी कर दो और इसको सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को दोस्तों। तो आज के लिए जाता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो पर जरूर मुलाकात होगा। टाटा बाय बाय, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।